नमस्कार, मैं विनोद। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना या अदल बदल कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सकें, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के सिद्धांत। कोई भी शस्यक्रम योजना बनाने के लिए उसमें प्रयोग किए जाने वाले फसल चक्र को चुनने से पूर्व सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगानी चाहिए। प्रायः ऐसी फसलें जिनकी जड़ें मूसला होती हैं और भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं तथा अवमृदा से पोषक तत्वों को लेती हैं और भूमि की ऊपरी परत में अधिकांश पोषक तत्व रह जाते हैं, यदि गहरी जड़ों वाली फसलों को ही दोबारा खेत में बोई जाएंगी तो वह मिट्टी की एक विशेष परत से ही पुनः भोजन लेकर उसमें पोषक तत्वों की कमी कर देंगी तथा फसल भी कमज़ोर होगी। यदि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल बोई जाए तो मिट्टी की भिन्न भिन्न परतों से पौधों को पोषक तत्वों की समानता बनी रहेगी तथा उसको पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता रहेगा। जैसे कि कपास की फसल के बाद मटर या गेहूं की फसल उगाना आदि। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। यदि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद दोबारा फिर ऐसी ही फसल बो दी जाए तो खाद की बहुत अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी खाद भूमि में नष्ट हो जाएगी। अतः यदि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल की बुआई की जाए तो दूसरी फसल को कम खाद देने की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही पिछली फसल की बची हुई खाद का भी उपयोग हो जाएगा, जैसे आलू, गन्ना गेहूं आदि हैं। अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सिंचाई के साधनों का अत्यधिक उपयोग नहीं करना पड़ता, दूसरा भूमि पर अत्यधिक पानी बना रहने के कारण वायु संचार तथा जीवाणुओं की क्रियाओं में जो अवरोध होता है उससे भी बचा जा सकता है। जैसे धान के बाद चना बोना चाहिए, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल बोनी चाहिए। फसल चक्र में फलीदार फसल को अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए क्योंकि इन पौधों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थापन किया जाता है। इस प्रकार फसल की कटाई के बाद भूमि में काफ़ी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जिसका उपयोग दूसरी बिना फलीदार अनाज की फसल आसानी से कर सकती है, जैसे मूंग तथा लोबिया के बाद गेहूं, चना के बाद ज्वार, मटर के बाद धान की फसल बोना चाहिए। फसल चक्र की सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जो कीट पतंगे एक ही कुल के विशेष पर आक्रमण करते हैं उनसे दूसरी फसल को बचाया जा सकता है। फसल चक्र में कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। फसल चक्र बनाते समय उसमें फसलों का समावेश ऐसा करना चाहिए कि सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि जो उपलब्ध हों उनका पूर्ण उपयोग भी हो तथा अपनी आवश्यकता भी सभी वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, चारा आदि समय समय पर उपलब्ध होता रहे। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र अपनाने से खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है जिससे भूमि से पोषक तत्वों तथा नमी का अवशोषण संतुलित रूप में होता है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को सम्मिलित करने से मृदा की भौतिक दशा ठीक बनी रहती है और भूमि में जैव पदार्थ की कमी नहीं होती है। इससे खरपतवार, कीटों तथा रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है, फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा उपलब्ध साधनों का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता रहता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित फसल चक्र। शुष्क सिंचित क्षेत्रों में
खरीफ में मक्का, ज्वार, कपास, उर्द, ग्वार, तिल, अरंडी व रबी के मौसम में जौ, चना आदि फसलों को भूमि की किस्म व भूमि में नमी के स्तर के आधार पर उगाया जाता है। एक वर्ष में अधिकतर एक फसल उगाने के कारण इन क्षेत्रों में फसल चक्रों की सघनता अधिकतर 100% रहती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ में धान व ढैंचा, रबी में गेहूं, जौ, जई, आलू व प्याज की खेती करते हैं। इन क्षेत्रों की फसल सघनता 200% रहती है। किसान के पास फसलों को उगाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बीज, खाद, श्रम, पूंजी आदि होने पर सघन खेती अथवा बहुफसली खेती के फसल चक्र जैसे मक्का, आलू, गेहूं, मूंग एक वर्ष में 4 फसलें उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रों में फसल चक्रों की सघनता 150 से 400% तक पाई जाती है। विभिन्न जलवायु एवं मृदा की किस्म को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित फसल चक्र अपनाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनाए जाने वाले फसल चक्र में एक वर्षीय, दो वर्षीय, तीन वर्षीय तथा 4 वर्षीय फसल चक्र अपनाए जाते हैं। जैसे एक वर्षीय फसल चक्र में ज्वार, गेहूं, धान, गेहूं या बरसीम, मक्का, गेहूं या जौ आदि हैं। दो वर्षीय फसल चक्र जैसे धान, मटर, धान, गन्ना, ज्वार प्लस अरहर, परती, गेहूं आदि हैं। तीन वर्षीय फसल चक्र मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, गेहूं, मक्का, गन्ना प्लस गेहूं, पेड़ी आदि हैं। चार वर्षीय फसल चक्र जैसे मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, हरी खाद, गेहूं आदि फसल चक्र अपनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में अपनाए जाने वाले फसल चक्र इस क्षेत्र में एक वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत जैसे तिल, अलसी, ज्वार, मक्का, मक्का, गेहूं प्लस चना आदि। दो वर्षीय फसल चक्र ज्वार प्लस अरहर, गेहूं, परती, गेहूं, ज्वार, चना, मक्का, जौ, परती, गेहूं आदि हैं। तीन वर्षीय फसल चक्र जैसे मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंगफली प्लस अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं, ज्वार प्लस अरहर, परती, गेहूं, ज्वार, बरसीम आदि फसल चक्र अपनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अपनाए जाने वाले फसल चक्र इस क्षेत्र में एक वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत जैसे ज्वार, जई, ज्वार, बरसीम, परती, गेहूं, ज्वार, मटर आदि। दो वर्षीय फसल चक्र धान, जौ, परती, गेहूं, धान, चना, धान, जौ आदि। तीन वर्षीय फसल चक्र जैसे धान, मटर, गन्ना, पेड़ी आदि फसल चक्र अपनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लिए फसल चक्र हैं जैसे इस क्षेत्र में एक वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत धान, गेहूं, धान, गेहूं, मूंग, सोयाबीन, गेहूं, हरी खाद, गेहूं आदि। दो वर्षीय फसल चक्र जैसे धान, चना, धान, मटर, मक्का, बरसीम, ज्वार, बरसीम, हरी खाद, गेहूं, गन्ना आदि हैं। तीन वर्षीय फसल चक्र जैसे ज्वार, मटर, गन्ना, पेड़ी तथा हरी खाद, गन्ना, पेड़ी, गेहूं आदि फसल चक्र अपनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अपनाए जाने वाले फसल चक्र इस क्षेत्र में एक वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत जैसे ज्वार, चना, परती, गेहूं, परती, गेहूं के साथ चना आदि हैं। दो वर्षीय फसल चक्र जैसे परती, गेहूं, ज्वार, चना, ज्वार के साथ अरहर, गेहूं आदि। तीन वर्षीय फसल चक्र जैसे परती, सरसों, ज्वार के साथ अरहर, मूंग, जौ, ज्वार के साथ अरहर, परती, गेहूं, तिल, अलसी आदि फसल चक्र अपनाए जाते हैं। धन्यवाद।